राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरा सारा काम अभी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए। आके बस बाहर पोछा लगाना है, तो अभी मैं हो जाती हूँ पहले रेडी। नाउ आई एम रेडी। मालू जा रही हूँ। है? नहीं, काम कर रही। आज मैंने पोछा पहले लगा दिया। मैं आ चुकी हूँ अभी लेक साइड और यहाँ पे इस डक को कितना मस्त क्राउन पहनाया, देखो। इधर एक बेबी डक भी है। मैं आ चुकी हूँ अभी घर वापस और आज तो मेरे कान में पानी घुस गया इधर वाले, अब पता नहीं कैसे ही निकलेगा। अब जब तक ये निकल नहीं जाता मुझे ऐसी इरिटेशन होगी इससे। चलो अब ये पानी तो पता नहीं कब तक निकलेगा, तब तक मैं ले लेती हूँ शावर। और आज है नवरात्रि का सेकंड डे। मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और अब मैं जाती हूँ पूजा करने। स्विमिंग से आने के बाद मेरे खुल जाते हैं सारे बॉडी के पार्ट्स बहुत अच्छे से, तो मुझे लग जाती है थकाई। और स्विमिंग करने के बाद तो नींद और भूख दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैं आजकल सो तो नहीं रही हूँ। और भूख के लिए मम्मी बना के जाती है मखाने की खीर, क्योंकि मम्मी के भी व्रत है, पापा के भी व्रत है और मेरे भी व्रत है, तो मम्मी बनाती है सुबह मखाने की खीर। और अभी मैंने पूजा कर ली है और अब मैं खा रही हूँ खीर। मैं जा रही हूँ अभी भीमताल। पापा लाए हैं आज करेला और इसकी बनेगी सब्जी और रायता। पापा कुछ बताएंगे आप? कसनार, कसनार इसे कहते हैं, उसके हिंदी भाषा इसका कसनार है, इसको पहाड़ में लोग जानते हैं, बड़ा टिपिकल होता है। आप कहाँ से लाए? मैं इसको जंगल से लाया अभी सवेरे और एक लेबर को ले गया। इसका रायता भी होता है, अचार भी होता है, सब्जी भी बहुत अच्छी होती है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। गाँव में इसको जानते नहीं, पुराने लोग खाते थे इसको, नए लोग कहाँ खाते हैं इसको। वैसे मार्केट में नैनीताल और भवाली मिलता है सिर्फ। अच्छा, और कहीं नहीं मिलता है, हल्द्वानी नहीं मिलता, गर्म एरिया में होता है। डेढ़ सौ रुपये किलो तो परसों देख खाया था, मिलता भी नहीं है। तो ये लुप्त होता हुआ कचनार 150 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा है। और मैंने इसका नेपाल से अचार आया था एक बार, करेला का, काफी टेस्टी होता है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। ये पूरा दूध बर्बाद हो गया आज। एक बिल्ली आई थी, सैगी ओशियन पिक्सी सब लोग बंद थे, तो वो चुपचाप आई और पूरा दूध पी के भाग गई। तो मैं अभी अपने पीसी का स्टोरेज खाली कर रही हूँ और अपनी कुछ फोटोग्राफ्स पुराने देख रही थी, तो ये कुछ 2018 के आसपास की हैं। ये रामनगर ट्रिप, ये भालूगढ़ वाटरफॉल, ये सीता बनी। मम्मी बना रही हैं करेला का रायता और रायता बनाने के लिए मम्मी ने पहले किया था बॉईल करेला को और उसके बाद सिलबट्टे में पीसा। अब उसमें डालेगी मम्मी दही और काला नमक और फिर रायता हो जाएगा रेडी। और आज मेरा काम है सब्जी बनाने का, तो मैं प्रोसेस करती हूँ सब्जी की और मम्मी का काम था रायता बनाने का, तो वो तो ऑलमोस्ट बन ही चुका है।
रायता भी बनके रेडी है और यहाँ गूंथ के रख दिया है आटा। तो मम्मी सैगी ओशन पिक्सी को दे देती है खाना जल्दी, क्योंकि यहाँ लेपर्ड का भी डर रहता है, तो हम उनको फटाफट खिला के फिर बंद कर देते हैं उनके रूम पे। और अभी हमारा सारा खाना बन चुका है, आटा भी गूंथ दिया है और अब बस शाम की रोटी बनानी है और अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर घर। इन सब का चल रहे हैं डिनर टाइम। कहाँ आया था? हम लोग जा रहे हैं अभी घर को। यहाँ देख, हेलो वो कौन है? हंस रही। ब्लॉग में होगी, ब्लॉग में आमा का भी कारोबार हो रहा है यहाँ। क्वेराल का रायता बना रही आमा भी इसका। घर भरा दे पापा रख दिया क्वेराल को। उसे शायद बोले भोलू। और क्या आता है आपको? मुझे भी नहीं। और कुछ नहीं आता है? नहीं। और कुछ नहीं सिखाया स्कूल में? वन टू फोर होता है ना, को फाइव होता है। कल आपको कॉपी में क्या मिली थी? कल क्या मिली थी? आइसक्रीम खाई आपने? कैसे खाते हैं? असली आइसक्रीम और नकली आइसक्रीम। आज स्कूल का ड्राइंग कंपटीशन था और इन्होंने गाना गाया। कौन सा गाना गाया बताओ? होली तो नहीं गाती हो? होली नहीं गाई हमने, क्योंकि होली में कमेंट में ताली वाला इमोजी डालना गाइस। होली तो नहीं गई आपने वहाँ? क्या कौन सा गाना गाया मुझे बताओ, जल्दी बताओ। और आप वो कपी बॉको वाली पोयम भी तो सुनाई थी, क्या था वो? अली टू बैड, वेरी गुड। अली टू बैड, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैपिंग करो। नेक्स्ट अब हिंदी में कविता सुनाओ। एक कविता इसको आती नहीं, हमारी बुकी नहीं है। और सुनाओ कोई। ट्विंकल ट्विंकल टेन तक ही आते हैं। एबीसीडी ओमी के साथ चैलेंज हो रहा है। ओमी को कर पाऊंगा बस कूद। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हिम्मत इतने में क्यों कर रहे? हिम्मत तो मेरे को कर रहा है। मैं भी कह रही थी चैलेंज करना है बालू की बारी। चल तेरा क्या जाएगा, तू तो फेंक देगा बालू। जाए एक बार मजाक कर रही है। 70 ना 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 कर। अब नैनीताल में ना वो सात ताल में आग भी तो लगी थी हमारे क्लास के अंदर तक आ गई थी। धूल हमारे मुंह पे तो लगी थी पहले से। जब हमारे पास फ्री टाइम होता था, फोन वोन तो होते नहीं थे। आजकल की फोन की दुनिया देखो, पिछले 10 मिनट से बैठी है और फोन पे ही लगी है। तो पहले जब फोन वोन नहीं होते थे, हम कुछ ऐसे गेम्स खेलते थे। हाथ हटाना ना। तो जिसने खेला है ये कमेंट में बताना इसको क्या कहते हैं। नानू पता है क्या कहते हैं उसको? ये क्या ठहरा? नहीं
हट तो रेमबो। आपने क्या बोला, हम क्या कब हुआ है आपका? नानू 2014 नानू हट ना यहाँ से। कितने पुराने हम? इतने पुराने 1990 तो ना, नानू ने हमें 90s की याद दिला दी। नानू कह रहा मैं तो 2014 में हुआ हूँ, मुझे कैसे पता होगा। आप लोगों को भी मैं जा रही हूँ अभी सनसेट एंजॉय करने। तो आज का सनसेट व्यू कुछ इस तरह है। बोला ये गीदड़ के आंसू मत बहाया कर मेरे सामने। क्या बोला तूने बाहर? क्या बोला? कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा? फोन से? कहाँ से सीखा फिर? किसने बोला था? किसने बोला फिर? तो ये कुत्ते बोला ना, ना वो दादा के गेम में बोलते हैं, हैं? दादा के गेम में बोलते हैं, दद्दा के गेम में बोलते हैं बंदूक वाले में। ओ इधर आ रे, जल्दी आ, तेरी बंदूक वाले गेम में कुत्ते बोलते हैं ना? नहीं झूठ मत बोलना, चाय कट मार के बोल रही है। नहीं बोलते। अभी ये बंदूक से खेल रही थी बाहर और एक यहाँ क्या कुत्ते कहा इसने है? किसमें सीखा, किसने सीखा कुछ पूछ रही है। यहाँ पे खड़े होने के लिए बोला है। सुनो उसमें ना एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। मैं सुनने वाला बंद करे रहता हूँ, बोलने वाला भी बंद करे रहता हूँ। ये तो बोल रही है, सोच ले मैं तेरा फोन इसका फोन दोनों का फोन बंद करके लटका दूंगी तुम्हें उल्टा। मैं इसका अपने नीचे से लगाऊंगी। क्या कान क्यों बंद कर रही है, कान क्यों बंद कर रही है? लाइफ स्टोर रूम की चाबी का दोनों को वहीं पे बंद करते हैं। वहाँ है, वहाँ। सॉरी बोल, बोलेगी आज से? बोलेगी? कान पकड़, सॉरी बोल मम्मा, सॉरी आज से नहीं बोलूंगी। बोलो, कान पकड़ के बोलना है ऐसा। गंदी बात नहीं बोलूंगी, गंदी बात नहीं बोलूंगी, गंदी बातें सुनते भी नहीं है, ठीक है? और जो बोलता है उसको मम्मा से शिकायत कहते हैं कि वो गंदी बात बोल रहा था, ठीक है? जैसे जब बोलती है दादा परफ्यूम लगा रहा है वैसी शिकायत भी बोलते हैं, फिंगर आउट, ठीक है? ठीक है, अगर ये गंदी बात वाला सुनेगा देखेगा तो मुझे बताना, ठीक है? तो मैं अभी डिनर लेके आ चुकी हूँ। आजकल की विंड से पूरे होंठ फट जाते हैं, तो आज मैंने सर पे कर ली है ऑयलिंग और फेस वॉश कर लिया है। और आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।